हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम सभी लोग पता करने वाले हैं अपकमिंग फोन्स जो कि मार्च में लॉन्च होने वाले हैं इन 2024। ओके, सो जस्ट गेट रेडी। वीआईपी सीट्स पर अगर आप बैठ चुके हैं तो अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड वॉच दिस फुल वीडियो। ओके, एक अमेजिंग फैक्ट बताऊँ, ये सारे फोन एकदम बजट फ्रेंडली है। सो मार्च में जो अपकमिंग फोन्स की लिस्ट लॉन्च होने वाली है वो होने वाली है कुछ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, जो कि हम सभी लोग लॉन्च होते हुए देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली इन द बजट ऑफ 25,000 to 30,000, जो कि हमारी एक्सट्रीमली फ्रेंडली पॉकेट के अंदर आराम से सेट हो जाएगा। वैसे आपने फरवरी के मंथ में ज़रूर देखा होगा कि 10 से 15 हज़ार और 15 से 20 के बीच में एक रेंज आई थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सारे फ़ोन्स को इक्वली डिवाइड कर रही थी, अच्छे से अच्छे फ़ोन्स को। ओके, अब इसी तरीके से आप मार्च के मंथ में देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली अच्छे से अच्छे फोन्स आपको आपकी पॉकेट फ्रेंडली बजट में आपको आराम से मिल जाएंगे। सो वन ऑफ आवर फर्स्ट प्रीमियम फोन इज फोन 2A। तो ये स्मार्टफोन हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली ऑन 5th of March, जो कि इस डेट को स्पेसिफाई करके ही लॉन्च होगा। इसका अमेजिंग लुक और 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले जो होगा वो आपको अप्रॉक्सीमेटली पागल बना देगा। ये फोन रिलीज हो रहा है विद द डायमेंसिटी ऑफ 7200 चिपसेट। उसी के साथ ही एक्सपर्ट्स का ये मानना है आपका फोन होगा वो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है और मैकेनिज्म इसका काफी ज्यादा पुख्ता होने वाला है। सो आप तैयार हो जाइए, अच्छे अच्छे गेम्स को पहले से सर्च करके रख लीजिए ताकि आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकें। सो इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस मुझे पता लगा है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 होने वाला है, जो कि अच्छा खासा बजट फ्रेंडली फ़ोन है। आप अभी से अपने पैसे जोड़ सकते हैं ताकि आप इस फ़ोन को जल्दी से जल्दी खरीद सकें। कम टू आवर नेक्स्ट फोन, जो सेकेंड फोन है हमारा वो रियलमी 5th जनरेशन 5G फोन। ओके, ये 5G फोन आ रहा है, भारत में लॉन्च हो रहा है एंड इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन, क्योंकि आपको ये अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगा 20,000 to 25,000 की मिड रेंज में, जहाँ की आपका इसका एक सिमिलर डिज़ाइन होगा जो इसके प्रीवियस डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होगा एंड इट हैज़ अ सिमिलर डिज़ाइन लाइक अ LYT 600 OIS। इस फोन की खासियत ये होगी कि आपको परफॉर्मेंस रेटिंग में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, एज वी नो दैट दी की MI अच्छे से अच्छे फोन लाने की कोशिश करता है मार्केट में काफी अफोर्डेबल रेंज में, काफी अच्छी प्राइसिंग में आपको हर एक चीज अपनी रेंज में देखने को मिलेगी। होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर दिस। आवर थर्ड फोन इज Xiaomi 14, जो कि ग्लोबली रिलीज होने जा रहा है भारत के अंदर। इसकी लॉन्चिंग डेट अप्रॉक्सीमेटली 7th to 10th of March को रिलीज हो सकता है, ये लॉन्च हो सकता है एंड उसके अलावा ये इंडिया में लेटर वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बेस वेरिएंट है इसी फोन का, लेकिन अगर आप वो ग्लोबली देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको काफी सारे वेरिएंट्स में मिल जाएगा। ये जो फोन लॉन्च होने जा रहा है वो इट्स ऑलमोस्ट अप टू अ टिप टू पैक स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन का 3rd चिपसेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लाइका ट्यून कैमराज होंगे जिसमें 120Hz का OLED डिस्प्ले भी होगा। आई एम सो हैप्पी एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग फोन, जिसमें कि 8th जनरेशन 3rd चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। सो अब आप इसकी स्पीड, इसकी फास्ट, इसकी मॉडेस्टी का, ऑनेस्टी का और कंपनी की रिलायबिलिटी का आराम से फायदा उठा सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट इज आवर बेस्ट सैमसंग गैलेक्सी A55 सीरीज, जो कि अमेजिंगली लास्ट मंथ ने भी इसमें धूम मचा दिया था मार्केट में। एंड गाइज अमेजिंग प्रोडक्ट है। सैमसंग के सारे फोन्स अमेजिंग होते हैं बट इस बार सैमसंग कुछ और भी ज़्यादा खास करने जा रहा है। हमें सैमसंग A55 में क्या खास देखने को मिलेगा? तो इस बार सैमसंग गैलेक्सी A55 फीचर फोन हमारे लिए 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले ला रहा है। सो एक्सिनोस नाम का 1480 का चिपसेट आएगा, साथ ही 5000 mAh की बैटरी आएगी। दैट इज अमेजिंग आई गेस। आप सभी लोगों को गेम्स खेलने का शौक है, कौन इसमें देर रात तक PUBG जैसा गेम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगातार खेल सकता है, वो सब इसमें हम आराम से देख सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी के साथ ही इसमें 50 MP LED
ट्रिपल कैमरा सेटअप आ रहा है जो कि अमेजिंग डील है गाइस, अमेजिंग डील है। प्लीज़ लुक आफ्टर इट और जैसे ही आता है आप टूट पड़ना बाजार में इसको खरीदने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज आर वीवो V30 सीरीज जो कि हमेशा की तरह अपने यूनिक आउटलुक्स एंड डिजाइंस के लिए बेहद ही फेमस है। एंड आई गेस यू आर जस्ट थिंकिंग दिस टाइम ऑल्सो पीपल आर जस्ट गोइंग टू गेट क्रेजी फॉर इट्स स्टाइल, इट्स अमेजिंग मैट फिनिश। इस बार वीवो हमें देखने को मिलेगा विद द लेटेस्ट सीरीज कंप्राइजिंग अ वीवो V30 प्रो सेट टू लॉन्च ऑन 7th of March जो कि 7 तारीख को मार्च में लॉन्च हो जाएगा भारत में। उसके साथ ही 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी जो कि हमें बहुत हद तक वीवो V29e में मिली थी। एंड यू नो व्हाट गाइस, उसका भी अमेजिंग रिव्यू मैं अब आपको करने दिखाने जाने वाली हूँ। तो इस बार भी वीवो लेकर आ रहा है 3D कर्व डिस्प्ले जो कि हमारा वीवो V29e सीरीज में आया था। एंड इसी के साथ ही बता दूँ कि वो फ़ोन भी मैं आपके सामने जल्दी रिव्यू करने जा रही हूँ, सो जस्ट स्टे ट्यून टू माई चैनल। नेक्स्ट इसमें आएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 5000 mAh की बैटरी जो कि अमेजिंग रिजल्ट देती है विद इन द टर्म्स ऑफ स्पीड। चाहे आप इसको स्क्रॉल करें, लेट डाउन हाई स्पीड पे आप इसको ओवरलोड करें, हाई वॉट चार्जिंग का इसका अमेजिंग सा चार्जर आएगा जिससे कि आपकी बैटरी को ख़त्म होने में अप्रॉक्सीमेटली बहुत टाइम लगेगा। सो जस्ट वेट फॉर दीज अमेजिंग फोन्स एंड वेट फॉर दीज अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि मार्च के महीने में होने जा रहा है। एंड यू कैन जस्ट परचेज इट, आप इसको परचेज कर सकते हैं विद योर फुल फ्लेश्ड बजट फ्रेंडली पॉकेट की लॉन्च होने वाले हैं मार्च के महीने में इन बिटवीन ऑफ 7 तारीख, 5 तारीख एंड 10 तारीख, ठीक है।